एवरीवन, मैं हूं ज्योति अस्ना द गर्ल. थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय. और आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली लॉरियल सिरी एक्सपर्ट के गोल्ड किन्वा प्लस प्रोटीन एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू एंड इसी रेंज का जो इनका है मास्क है उसका. इन दोनों का मैंने एक अमेजोन हॉल में वैसे भी छोटा सा रिव्यू आप सबके साथ शेयर किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मैंने 7 डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया था शॉर्ट में, तो मैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. ये दोनों मैंने कॉम्बो ऑफर में अमेजोन से लिया था और उस टाइम मुझे ये कुछ 1200 समथिंग में पड़ा था. अलग अलग भी ले सकते बट कॉम्बो में थोड़ा सा सस्ता मिल गया था एंड काफी ज्यादा हाइप थी इन दोनों ही प्रोडक्ट्स की. मैं बहुत सारे लोगों के हॉल वीडियोस में ये प्रोडक्ट्स देख रही थी, सो आई थॉट कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ. तो वो वाला वीडियो तो बहुत पुराना, उसके बाद से ही मैंने कई बार दोनों ही प्रोडक्ट्स को ट्राई किया और आज मैं इनका इनडेप्थ रिव्यू आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं. वीडियो यूजफुल लगेगा लाइक जरूर करिएगा, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है. और चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. और ढेर सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए मेरे इंस्टा आईडी में स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिव्यू. तो सबसे पहले हम बात करेंगे शैम्पू की. ये है लॉरियल का सिरी एक्सपर्ट गोल्ड किन्वा प्लस प्रोटीन एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू. इसकी जो प्राइस थी ये है 665 रुपीज, जिसमें 300 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाते हैं. मैं कहूंगी कि क्वांटिटी मतलब अफोर्डेबल तो नहीं है बट फिर भी क्वांटिटी अच्छी है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शैम्पू नहीं यूज करना होता. इवन अगर बालों में ऑयल भी अप्लाई करा हुआ है तो भी. और जैसा मैंने बताया, मैंने इसको अमेजोन से लिया है, तो मैं जो भी इसके परचेज लिंक्स हैं अमेजोन के, नाइका के, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा. इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो आप देख ही सकते हैं कुछ तरीके की गोल्ड थीम में इसकी पैकेजिंग है. ये प्लास्टिक बॉटल है एंड ये फ्लिप ओपन कैप है, सिंपल सी, कुछ बहुत खास नहीं है. बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मैंने थोड़ा सा ऐसे करके रख दिया था. जहां पे रखा था वो बेडशीट मेरी खराब हो गई, मतलब शूट करने पहले मैंने ऐसे बेड पे रखा था, गिर गया तो बेडशीट भी खराब हो गई, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है. इसके की इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो जैसा मैंने पहले ही बताया, नाम में ही है कि इसमें गोल्ड किन्वा प्लस प्रोटीन है. और इसका काम क्या है आप इन्होंने कहीं मेंशन नहीं करा हुआ है, बट इन्होंने लिखा है कि एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू है और साथ ही साथ में जो हेयर होते हैं वो इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं. तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि अपने क्लिप्स पर कितना खरा उतरता है. बात करूं अगर मैं इसके टेक्सचर कंसिस्टेंसी की, तो जो आप बॉटल का कलर देख रहे हो एग्जैक्टली वही कलर शैम्पू का भी, और काफी थिक शैम्पू, मतलब जैसे किसी कंडीशनर का कंसिस्टेंसी होता है ना, उस टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी, काफी थिक है, काफी क्रीमी है. और मैं हमेशा इस शैम्पू को मैं किसी भी शैम्पू को हमेशा डाइल्यूट करके ही अप्लाई करती हूँ. इससे क्या होता है कि शैम्पू भी कम क्वांटिटी में यूज होता है एंड अच्छे से पूरे स्कैल्प में हेयर में स्प्रेड भी हो जाता है. बता दूं कि इसकी फ्रेग्रेंस काफी स्ट्रांग है एंड कह लीजिए कि हाँ थोड़ा सा मुझे बॉदर करती, क्योंकि काफी देर तक लिंगर भी करती है. बात कर लूं अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की, तो पहले मैं मेरा हेयर टाइप बता दूं. जो मेरी स्कैल्प है वो ऑयली है, मतलब कि मुझे हर कह लीजिए 2 दिन बाद शैम्पू करना पड़ता है. जैसे मैंने आज शैम्पू किया ना, तो कल ही से मेरी स्कैल्प ऑयली ऑयली सी लगने लगती है एंड परसों तो शैम्पू करना बिल्कुल नेसेसरी हो जाता है मेरे लिए. एंड अगर मेरी लेंथ्स की बात करूं तो ये उतने ज्यादा ड्राई एंड फ्रिजी साइड में नहीं है. वेदर पे डिपेंड करता है, हेयर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है ड्राई एंड फ्रिजी होने का. बट नेचुरल टेक्सचर की बात करूं तो बहुत ज्यादा ड्राई एंड फ्रिजी नहीं, एक तरीके से कह लीजिए कि थोड़े से सिल्की स्ट्रेट साइड में ही है. तो ये शैम्पू को मैंने ऑयल के बिना, ऑयल के साथ, हेयर मास्क, कंडीशनर, हर कंडीशन में यूज करके देखा एंड मुझे ये फील हुआ कि अगर इस शैम्पू को मैं विदाउट ऑयल या विदाउट कंडीशनर यूज करती हूँ तो ये मेरे बालों का जो नेचुरल टेक्सचर है उससे मेरे बालों को थोड़ा सा फ्रिजी और ड्राई करता है, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता. स्पेशली ये जो ह्यूमिडिटी का वेदर चल रहा है इसमें, तो वैसे भी अगर अच्छे से बालों का ख्याल ना रखो, ऑयल ना लगाओ या कंडीशनर ना लगाओ, थोड़ा सा भी हार्ड शैम्पू लगा लो, तो बाल बहुत ही ज्यादा अनमैनेजेबल हो जाते हैं, फ्रिजी से हो जाते हैं, ड्राई से हो जाते हैं. ये मेरे बालों को मेरे बालों के नेचुरल टेक्सचर से थोड़ा सा ड्राई एंड फ्रिजी करता है. तो मतलब इसके बाद कंडीशनर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, अदरवाइज मेरे जो हेयर है वो मुझे थोड़े अनमैनेजेबल लगते हैं. तो शैम्पू तो मुझे सोसो लगा, कुछ बहुत खास नहीं लगा एंड जिनके बाल ऑलरेडी ड्राई एंड फ्रिजी हैं उनको तो मैं ये शैम्पू रेकमेंड नहीं करूंगी. तो ये तो हो गई शैम्पू की बात. अब बात करते हैं हेयर मास्क की. ये है लॉरियल का सिरी एक्सपर्ट गोल्ड किन्वा प्लस प्रोटीन एब्सोल्यूट रिपेयर मास्क, मतलब सेम ही रेंज का. और इसमें शायद एक सीरम भी आता है, सीरम मैंने ट्राई नहीं किया है. इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो 820 रुपीज का है, जिसमें मिल जाते हैं कुछ 250 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मैं कहूंगी कि अच्छी खासी क्वांटिटी मिलती है, क्योंकि अगेन इसकी भी बहुत ही कम क्वांटिटी यूज होती है. अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें भी अगेन वही इंग्रेडिएंट्स है, गोल्ड किन्वा प्लस प्रोटीन जो इसका की इंग्रेडिएंट या मेन इंग्रेडिएंट है कह लीजिए. और इनका कहना है कि ये जो है मास्क है ये बालों को इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म करता है, सॉफ्ट और शाइनी बनाता है, बस इतना सा ही कहना है इनका.
इसके टेक्सचर कंसिस्टेंसी की बात करो तो अगेन ये भी जो आप कलर देख रहे हो सेम कलर का है, मास्क है, काफी थिक काफी क्रीमी है मास्क है और इसकी भी फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्ग है जो कि लगाने के बाद मतलब वॉश करने के बाद जब बाल सूख जाते हैं ना तो भी काफी देर तक एटलीस्ट एक दिन तक तो लिंगर करती ही करती है। बात कर लूँ अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की तो मैंने इसको ये वाले शैम्पू के साथ भी यूज करा, आज मैंने ये शैम्पू और यही है मास्क अप्लाई किया, बट इसको मैंने अदर शैम्पूज के साथ भी ट्राई किया है, मेरे ऑयल लगे हुए बालों में भी, ऑयल लगे बालों मतलब ऑयल शैम्पू एंड देन ये लास्ट स्टेप है, मतलब इसको शैम्पू के बाद अप्लाई करना, शैम्पू के पहले नहीं अप्लाई करना है, इसको पहले शैम्पू करना है, ये अप्लाई करना है, देन बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। तो मैंने हर तरीके से इसको यूज करके देखा है एंड लेट मी टेल यू कि दिस हेयर मास्क इज अमेजिंग, बहुत अच्छा हेयर मास्क है, जो इनका कहना है कि बालों को ट्रांसफॉर्म कर देता है तो ये सच में बालों को ट्रांसफॉर्म करता है। आप देख लीजिए यही मैंने अप्लाई किया है एंड मैं आराम से ऐसे फिंगर्स घुमा सकती हूँ, मेरे बाल कितने ज्यादा सॉफ्ट मैनेजेबल और सिल्की लग रहे हैं, मतलब जो मेरा एक्चुअल हेयर टेक्सचर है उससे भी ज्यादा सॉफ्ट सिल्की एंड मैनेजेबल लग रहा है, बिल्कुल मतलब ऐसा फील होता है कि सलून में जब ब्लो ड्राई वगैरह करवाओ तो बाल कैसे एकदम स्ट्रेट से हो जाते हैं, सॉफ्ट सिल्की मैनेजेबल से हो जाते हैं, बिल्कुल भी फ्रिज नहीं रह जाती, ये एग्जैक्टली वो ही काम करता है। तो ब्रांड ने क्या मेंशन किया कि इसको कैसे यूज करना है, तो ब्रांड का कहना है कि इसको आपके हेयर लेंथ पे अप्लाई करना है, स्कैल्प पे नहीं अप्लाई करना है। तो शैम्पू करने के बाद इसको मैं मेरे बालों को दो पार्ट्स में डिवाइड करके एंड अच्छी खासी क्वांटिटी लेके मेरे हेयर लेंथ में अप्लाई कर लेती हूँ और ब्रांड ने लिखा है कि 2 से 3 मिनट तक इसको रहने देना एंड देन नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना, तो मैं वैसा ही करती हूँ एंड आप रिजल्ट्स खुद ही देख सकते हो। बट मुझे ये फील होता है कि अगर इसको ज्यादा देर तक रख लो या ज्यादा क्वांटिटी ले लो गलती से तो ये बालों को थोड़ा सा फ्लैट कर देता है, बालों में वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर आपके बालों की वॉल्यूम ऑलरेडी कम है, आपके बाल ऑलरेडी फ्लैट या लिम्प है और आप इसको यूज करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप तो क्वांटिटी कम लीजिए एंड टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें। मतलब ब्रांड ने अगर 2-3 मिनट मेंशन कर रहा है तो मैं सजेस्ट करूँ कि आप 1 मिनट 1.5 मिनट रख के देखिए, वो आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि आपके बालों के लिए कितनी क्वांटिटी कितने टाइम के लिए वर्क कर रही है एंड उस हिसाब से फिर आप इसको यूज कर सकते हो। बट ये जो है मास्क है ये जबरदस्त। सो या फाइनली मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो शैम्पू है ये मुझे ओके सा लगा, मैं इसको रीपर्चेज नहीं करूंगी, बट ये जो हेयर मास्क है ये अमेजिंग हेयर मास्क है, बहुत ही जबरदस्त हेयर मास्क है, मैं इसको रीपर्चेज भी करूंगी और हाईली रिकमेंड भी करूंगी, स्पेशली अगर आपके जो हेयर है वो काफी अनमैनेजेबल रहते हैं, फ्रिजी रहते हैं, ड्राई रहते हैं, तो मैं इसको पक्का सा रिकमेंड करूंगी एंड आई एम वेटिंग कि ये खत्म हो जाए और मैं इसको रीपर्चेज करूँ। सो या ये था मेरा रिव्यू लॉरियल प्रोफेशनल के सिरी एक्सपर्ट गोल्ड किन्वा प्लस प्रोटीन शैम्पू एंड गोल्ड किन्वा प्लस प्रोटीन है मास्क का। मेरा एक्सपीरियंस कह लीजिए शैम्पू के साथ सोसो रहा, बट है मास्क मुझे बहुत अच्छा लगा है, बार बार मैं यही कह रही हूँ। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट यूज किया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वो जरूर बताएगा। आगे आप कौन से हेयर केयर प्रोडक्ट पर रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर।